स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू इज राजेश्वरी। यस डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम हारमनी में प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट कर चुके, सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर टू। एंड चैप्टर टू इज आवर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? त्यौहार। त्यौहार फेस्टिवल्स आर फन। फेस्टिवल्स से हमें बहुत मज़ा आता है, हम इंजॉय करते हैं त्यौहारों को। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम पढ़ेंगे आज डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। वी हैव मेनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। हम लोग इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, मनाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय फॉर अस। त्यौहार लाते हैं जॉय यानी खुशियाँ फॉर अस, हमारे लिए। त्यौहार हमारे लिए खुशियाँ लेकर आते हैं। इट इज़ फन टू हैव फेस्टिवल्स। और फेस्टिवल्स त्यौहारों को मनाने से हमें अच्छा लगता है, हम इंजॉय करते हैं, हम त्यौहारों में मज़ा करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? वी इंजॉय देम। नेक्स्ट इज दशहरा। हमारा सबसे पहला फेस्टिवल हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे दशहरा। सभी जानते हो दशहरा, नाउ इट इज़ अबाउट टू कम। दशहरा आने वाला है ना स्टूडेंट्स? देखिए, दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, विक्ट्री होती है जीत, विजय, सक्सेस। गुड अच्छा, एविल बुरा। यानी कि दशहरा किस लिए मनाया जाता है, ये किस चीज़ का सिंबल है, क्या सिखाता है हमें? दशहरा हमें ये सिखाता है कि अच्छाई की हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की हमेशा विक्ट्री, जीत होती है, विजय होती है। जीतती कौन है? अच्छाई। हारती कौन है? बुराई। क्लियर स्टूडेंट? ओके। ऑन दिस डे, इस दिन पीपल सेलिब्रेट, लोग मनाते हैं रामास विक्ट्री ओवर रावणा। इस दिन किसकी जीत मनाई जाती है, किसकी हार होती है? इस दिन भगवान राम की रावण के ऊपर विजय मनाई जाती है। क्लियर स्टूडेंट? इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था और ये यहाँ पे इसको बोला जाता है कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत का सिंबल है। क्लियर स्टूडेंट्स? रामास विक्ट्री ओवर रावणा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, दशहरा सेलिब्रेशंस बिगिन विथ रामलीला। और दशहरा का सेलिब्रेशन शुरू कब हो जाता है? रामलीला के साथ ही। रामलीला होती है तो वहाँ तभी दशहरे की शुरुआत हो जाती है। रामलीला गोज ऑन फॉर 9 days। और रामलीला कितने दिन चलती है डियर स्टूडेंट्स? 9 days। रामलीला में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है रामायण के एक्ट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? डिफरेंट डिफरेंट सीन्स जो है एक्ट किए जाते हैं ऑन अ स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड रामलीला। और ये 9 days, 9 दिन चलती है। ऑन द 10th day एफिगीज ऑफ रावणा, कुंभकर्णा एंड मेघनाथा आर बर्न। 10वें दिन यानी 10th day पे 10वें दिन एफिगीज यानी कि पुतले बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? रावणा, रावण के, कुंभकर्ण और मेघनाथ आर बर्न, इनके पुतले जलाए जाते हैं 10वें दिन। और इसी को हम दशहरा फेस्टिवल बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? दशहरा इज द फेस्टिवल टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल। ये रामा की विक्ट्री ओवर रावणा है। इस दिन क्या किया जाता है? रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ, इनकी एफिगीज को जलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड दशहरा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। क्लियर स्टूडेंट? पिक्चर भी दी हुई है। नेक्स्ट इज योर दिवाली। दशहरे के जस्ट बाद में आफ्टर 20 days दिवाली आ जाती है। क्लियर स्टूडेंट? दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं दिवाली रोशनी का त्यौहार माना जाता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। इस दिन डिफरेंट डिफरेंट वे से सुंदर सुंदर लाइटिंग की जाती है, रोशनी की जाती है, अलग अलग तरीके से दिए जला के, लैंप्स जला के, लाइट्स जला के, कैंडल्स जला के, इलेक्ट्रिक बल्ब कलर्ड, है ना, ये चीज़ों से हम लाइटिंग करते हैं। इट मार्क्स द अराइवल ऑफ रामा टू अयोध्या। और इस दिन क्या माना जाता है कि इस दिन भगवान राम अयोध्या लौट के आए थे वन से, है ना, तो इस दिन उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एट नाइट। और इस दिन लोग जो है रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। किसकी वर्शिप करते हैं? गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी माता की पूजा
की जाती है। हाउसेस आर डेकोरेटेड विथ कैंडल्स, और जो घर है वो सजाए जाते हैं, डेकोरेट किए जाते हैं किससे, कैंडल्स मोमबत्तियों से, एंड कलर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और बिजली के जो अलग अलग रंगों के बल्ब होते हैं उनसे। तो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि डिफरेंट वे से लाइटिंग की जाती है। ये लाइट का फेस्टिवल है, लक्ष्मी की पूजा होती है, और इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटकर आए थे, इस खुशी में दिवाली मनाई जाती है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ विल गो विद द क्रिसमस। क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है इस दिन, और इसी खुशी में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 25th दिसंबर एवरी ईयर। जैसे कि डियर स्टूडेंट, दिवाली का कोई डेट नहीं होती है, दिवाली की कोई डेट फिक्स नहीं होती है, ये अलग अलग डेट्स में आती है, लेकिन क्रिसमस फिक्स डेट होती है। 25th दिसंबर को ही एवरी ईयर हर साल क्रिसमस मनाया जाएगा। 25th दिसंबर इज़ द क्रिसमस। ठीक है स्टूडेंट? ऑन दिस डे, इस दिन पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। इस दिन लोग किसको डेकोरेट करते हैं, किसको सजाते हैं, क्रिसमस ट्री। देखिए पिक्चर भी दी हुई है, क्रिसमस ट्री। एंड गो टू चर्चेस, और लोग कहाँ जाते हैं प्रे करने के लिए, चर्च में जाते हैं। दे शेयर गिफ्ट्स विद ईच अदर, और वो एक दूसरे से गिफ्ट भी शेयर करते हैं, एक दूसरे को तोहफा भी देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्लास में हम ईद, गुरु पर्व, इनके बारे में, हम अदर फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। और अब आप क्या करोगे, इस लेसन को एक बार पेरेंट्स की हेल्प से रीड करोगे। क्लियर स्टूडेंट? रीड इट योरसेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।